राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 बुधवार से शुरू हो रहा है। इस बार रिफ की थीम स्पोर्ट्स इन सिनेमा रखी गई है। 1 फरवरी से 5 फरवरी तक जयपुर के आईनॉक्स सिनेमा में ये फेस्टिवल होगा। फिल्म अभिनेता स्वर्गीय इरफान खान की फिल्म पान सिंह तोमर के साथ 46 से ज़्यादा फिल्में इसमें प्रदर्शित की जाएंगी। राजस्थानी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भी फेस्टिवल में कई आयोजन होंगे। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो आईनॉक्स में आयोजित होगा, इस बार की थीम स्पोर्ट्स इन सिनेमा रखी है। तो कल का दिन है, हम एक बड़ा पूरा एग्जीबिशन डायरेक्टर फिल्म फेस्टिवल के थ्रू हमने NFDC इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को आमंत्रित किया है। तो उनकी फिल्मों की प्रदर्शनी रहेगी जो स्पोर्ट्स पे फिल्में बनी हैं, और पान सिंह तोमर जो फिल्म है इरफान खान की, उसकी हम ओपनिंग फिल्म कल शाम को कर रहे हैं। उसके लिए हमने इरफान खान को थीम ऑफ अवार्ड के लिए, उनकी वाइफ बॉम्बे से आ चुकी हैं, वो इसमें 2 दिन हमारे साथ रहेगी, उनके टॉक्स होंगे। 2 तारीख हमने स्पेशल जो रखी है वो राजस्थान, अपनी भाषा, मायड़ भाषा, जो हम अपनी भाषा चाहते हैं कि हम उसकी भाषा में जो फिल्में बने उसकी दिशा और दशा पे हम बातचीत करेंगे। उसकी एक शॉर्ट फिल्म है, एक बाहुबली जो राजस्थानी टाइटल है, उसका एक वर्ल्ड प्रीमियर हो रहा है। पहली बार वो फिल्म राजस्थानी भाषा में प्रदर्शित हो रही है, म्यूजिक वीडियो एल्बम प्रदर्शित हो रहे हैं।